नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इट इज़ उत्तम फार्म में। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये मूंगफली साफ़ करने की मशीन है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, और इसको जो है ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, और इसमें लगभग एक घंटे में 40 से 45 क्विंटल मूंगफली साफ़ हो जाती है, जिसमें मिट्टी अलग और इसमें मूंगफली अलग हो जाती है, और जो अपना छोटा हरी मूंगफली डंठल रहता है वो जो है हवा के द्वारा दूर फेंक जाता है और मूंगफली जो है अपनी बिल्कुल साफ निकल आती है। तो अब जिस प्रकार आप देखेंगे ये डंठल दूर जा रहा है और इसमें मिट्टी जो है अपनी पास में ही गिर जाती है, जो मिट्टी अलग हो जाती है, और ये सीधे अपन जैसे अपने टोकरी के तसले की सहायता से या अपना सीधा बोरी की सहायता से जो है ऊपर डाले में जो है डाल के जो है इसको साफ़ किया जाता है, और ये हवा के द्वारा जो है मशीन साफ़ करती है, जिसमें दोस्तों ट्रैक्टर की स्पीड अपनी 10 के आसपास होती है, और इसमें 2 से 2.5 लीटर डीजल की खपत होती है, और यह मशीन अपनी जो है बढ़िया साफ मूंगफली निकाल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोई भी ज़्यादा कचरा नहीं हुआ है, और जिसमें मिट्टी भी अलग हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको जो है यहाँ पे लिया है, और किसान साथियों इसमें एक वजह और है, जहाँ पे जो है अपन या धोते हैं पानी से या अपन इसको जो है लेबर की सहायता से छानते हैं तो जिसमें जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हम कि ट्रैक्टर जो है 15 HP से कोई भी बड़ा ट्रैक्टर हो उसकी सहायता से ये चल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसको जो है बहुत ही आसानी होती है, अपने हाइड्रोलिक में फिटिंग हो जाती है, जिसकी सहायता से अपन हाइड्रोलिक की सहायता से जो है इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई अलग से पहिया या की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ जो है मूँगफली बहुत ही स्पीड से जो है 40 से 45 क्विंटल आराम से साफ कर देती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे हमने जो है साफ़ किया था तो एक घंटे में लगभग 40 क्विंटल हमने मूंगफली साफ़ की है, और जिसमें बिल्कुल सफाई आती है अपनी अर्जेंट में जो है अपनी बाहर से ही है, सही दाम मिल जाता है इसमें। इसलिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।